नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाम से स्वागत करता हूँ सभी ओंकार में। फिर से हाजिर हूँ। होली की रात कैसे जपे मंत्रों को, कैसे बढ़ाए मंत्रों की शक्ति को, बहुत लोग हैं जिनके मन में ये प्रश्न है। तो मैं सामग्री बता सकता हूँ। पहले जल का पात्र, स्वयं का आसन, रुद्राक्ष की माला, साधना के अनुसार अगर पीरों फकीरों वाले की करनी है आपने साधना, यानी कि उनके मंत्र जपने हैं, तो तस्वीर जरूर होनी चाहिए। कुर्ता पजामा पहनकर, सर के ऊपर कपड़ा और जोत बत्ती, ये आपने अपने पास जरूर रखना चाहिए। और आप अपनी समर्था अनुसार भोग दे सकते हो जो आपने देना है मंत्र को। जिस प्रकार से मंत्र है, नए मंत्र मत उठाना, वही मंत्र उठाना जो पहले से सिद्ध कर रखे। निवेदन रहते हैं, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। 984 से चैनल को भी सपोर्ट करना। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं, एक ही मेरा नंबर है, उसके लिंक ऊपर आ रहा है। उसके साथ ही मेरी फीस है, कंसल्टिंग और अरदास का क्या चार्जेस है यहीं पर लिखा हुआ। आपने उनसे कोई मंत्र जपना, अरदास भी लगवा सकते हो। मेरे पास हवन भी, असल में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो फोटो आईडी प्रूफ अरदास के लिए भी, आपने पूछना कुछ उसके लिए भी, आपने अगर कोई मंत्र साधना करनी है या हवन में आपने कंट्रीब्यूट, तो भी ये आईडी प्रूफ आपका लगना ही लगना है। होली में जो शुभ नक्षत्र है, उस नक्षत्र में बैठ के मंत्रों का उच्चारण आपने करना है। जैसे कि आपको बता दूँ, इसमें आपको कम से कम पहरों के हिसाब से पूजा करनी है। कोशिश कीजिए उन मंत्रों का उच्चारण करो जिनको आप लंबे समय से जप रहे हो, उन मंत्रों का उच्चारण करो। ये गुरु की मंत्र है, वही मंत्र उठाना जो आपने पहले जप रखे हो। स्पेशली होली वाले दिन सुबह उठकर इंटरनेट से मंत्र मत ढूंढना, ये मंत्र लूँगा फिर कॉपी पर लिखूँगा, उसको देख के मंत्र जपोगे तो मंत्र कभी भी जागृत नहीं होगा। जो मंत्र कंठस्थ है और जिन मंत्रों को जपने के बाद लोगों को वासी आती है, आंखों में आंसू आते हैं, जिन मंत्रों के साथ आपके शरीर में कंपन महसूस होता है, अथवा जिन मंत्रों के जाप के साथ आप कार्य करते हो, उन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। आप एक से अधिक मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। जल का जो पात्र भरा होगा, वो आपने जब आपका पूर्ण हो जाए मंत्र, जब वो आपने किसी पेड़ पौधे में अथवा सूर्य को चढ़ा देना, और पात्र आपने नित्य क्रम में यानी कि वही भरकर अपने पास रखना। स्वच्छता का खास कर ध्यान रखें और कोशिश कीजिए उस दिन आप जो हवन आप नहीं कर सकते, तो हवन में मेरे पास कंट्रीब्यूट, अगर आपने स्वयं हवन करना तो स्वयं भी है छोटा मोटा हवन का अनुष्ठान कर सकते हो, और अपनी समर्था अनुसार जिस मंत्र का उच्चारण करते हो उसी प्रकार से आपने उनको भोग लगा देना है। आप धूने में दे सकते हो, उनकी ज्योत के आगे रख सकते हो, जिस प्रकार से भी आप देते हो। जो लोग गुरु दीक्षित है, जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है, उन व्यक्तियों को हर एक प्रकार की विधि का पूर्ण रूप से पता होता है। वो उसी प्रकार से उस विधि का प्रयोग करते हुए उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, भोग देंगे और गुरु से अरदास जरूर लगाए मंत्र के लिए। और उस दिन आपने मंत्रों की अरदास मेरे से लगवानी है। अरदास का चार्जेस ऊपर ही लिखा रहा है, इसके लिए 2550 व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, बोलना अरदास लगवानी है। जैसे आप पैसे भेजते हो, साथ में अपने अपना आईडी और फोटो मेरे को भेज देना, अरदास आपकी लग जाएगी।